बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि क्या बालायम या नेल रबिंग से बालों को वापस लाया जा सकता है, क्या जिन बालों की रूट्स या फोलिकल्स ख़त्म हो गए हैं उन्हें रीग्रो किया जा सकता है, या बालों की थिनिंग को या बाल झड़ने को बालायम से रोका जा सकता है। आज का वीडियो हम इसी विषय को डेडिकेट करते हैं। मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश अग्रवाल आपका VSCA हेयर क्लिनिक यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे क्या बालायम बालों की रीग्रोथ के लिए लाभदायक है। बालायम का मतलब होता है नेल रबिंग। जब हम अपने नाखूनों को इस तरह से रगड़ते हैं तो ये कहा जाता है कि इससे बालों की ग्रोथ होती है और गंजेपन के अंदर भी ये टेक्निक काम करती है। मुझे ट्राइकोलॉजी में काम करते हुए 20 साल हो गए हैं और बहुत से पेशेंट ऐसे आते हैं जो बहुत से घरेलू नुस्खे, उपाय और बालायम जैसी चीज़ें अपना चुके होते हैं। मुझे अपनी प्रैक्टिस के दौरान ये देखने में नहीं मिला कि बालायम जैसी टेक्निक बालों की ग्रोथ के अंदर कुछ लाभदायक होती हैं। इसका कोई साइंटिफिक आधार भी नहीं है और कोई क्लिनिकल ट्रायल्स इस पद्धति के ऊपर हुए भी नहीं हैं। फिर भी भारत के अंदर बहुत से लोग इस विधि को बालों की ग्रोथ के लिए अपनाते हुए देखे जा सकते हैं और वो हर रोज़ घंटों और लगातार सालों तक इस क्रिया को करते हैं। हो सकता है कुछ लोगों ने इस टेक्निक के फ़ायदे भी देखे हों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आमतौर पर लोग इस टेक्निक को अकेले इस्तेमाल नहीं करते, इसके साथ वो किसी न किसी तरह की दवा का इस्तेमाल अवश्य करते हैं और ये उसी दवा के इस्तेमाल के कारण कोइंसिडेंस हो सकता है कि उन्हें बालों की बीमारियों में, हेयर लॉस में, बालों के झड़ने में फ़ायदा दिखता हो और वो उसे बालायम के साथ जोड़ते हों। हर व्यक्ति के अनुभव अलग अलग होते हैं। जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे अपनी 20 साल की ट्रैकोलॉजी क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर बालायम के कोई असर देखने में नहीं मिले, जैसा कि मेरे पेशेंट मुझे बताते हैं। फिर भी हो सकता है कुछ लोगों को इसके रिजल्ट दिखते हों। इसका कारण ये हो सकता है कि जब पेशेंट ये टेक्निक अपनाता है, बालायम करता है, नेल रबिंग करता है, तो इसके साथ वो किसी न किसी चिकित्सा का सहारा भी लेता है, कोई ना कोई दवाई का इस्तेमाल भी करता है, तो हो सकता है कि पेशेंट को रिजल्ट उस दवाई के कारण से मिल रहे हों और बालायम का नाम हो रहा हो। कुछ लोग इसे एक्यूप्रेशर से भी जोड़ के देखते हैं। मित्रों, हम जानते हैं कि एक्यूप्रेशर से कुछ बीमारियों के अंदर लाभ होता है। जब हम नाखूनों को रगड़ते हैं तो ये एक एक्यूप्रेशर की ही टेक्निक है। हो सकता है कुछ नर्व एंडिंग्स ऐसी हों जिनका डायरेक्ट संबंध हमारे बालों के साथ या फुलिकल के साथ हो और नेल रबिंग करने से वो नर्व एंडिंग स्टिमुलेट होती हों और हेयर फुलिकल को ग्रोथ देने में या बालों के झड़ने को रोकने में कुछ हद तक काम करती हों। परंतु इस विषय पर बहुत सा काम होना बाकी है, क्लिनिकल ट्रायल्स होने बाकी हैं, साइंटिफिक एविडेंस आने बाकी हैं। हम उम्मीद करते हैं आने वाले समय में इस बालायम या नेल रबिंग टेक्निक को कोई वैज्ञानिक आधार मिले। आपको ये वीडियोस कैसे लगते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और जिन विषय पर आप चाहते हैं मैं आपके लिए वीडियोस बनाऊं उनके बारे में अवश्य लिखें। मित्रों, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय भारत, जय हिंद।